नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज हम लेकर के आए हैं डिप्लोमेट का मैग्नम फाउंटेन पेन, और 1922 से कंपनी है, मेड इन जर्मनी ये फाउंटेन पेन होता है। और इसके प्राइस की बात करें तो 2250 रुपये इसका MRP है, लेकिन मुझे तकरीबन 1800 रुपये में पड़ा है। पेन पॉइंट दिल्ली से मैंने फाउंटेन पेन ख़रीदा था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर ख़रीदना हो तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब इसको जल्दी से हम निकाल लेते हैं, और यहाँ से तो दोस्तों ये देख सकते हैं सेकेंडरी बॉक्स था इसका इस तरीके का, और ये इसका जो है मेन बॉक्स आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, और ये स्क्वायर पैटर्न आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये लगता है। बॉक्स भी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स आपको ये इस डिप्लोमेट फाउंटेन पेन के साथ मिल जाता है, ग्रेइश कलर है बेसिकली। चलो निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग, और ये देखिए थोड़ा फंस रहा है लेकिन निकल जाएगा, और ये देखिए थोड़ा सा हिल गया है। ये है हमारा फाउंटेन पेन ऑरेंज कलर में, कई कलर इसके भी आपको मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये है बॉल पॉइंट पेन डिप्लोमेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं क्लियरली डिप्लोमेट, और एक अलग ही तरह का डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाता है। और एक और चीज़ है, ये है इसका, ये देखिए यहाँ पे ये है इसका कन्वर्टर, और स्मिट का कन्वर्टर इसमें आपको मिल जाता है। स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है, बेस्ट इन द रेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ कन्वर्टर्स होते हैं स्मिट के, तो ये बहुत ही अच्छे कन्वर्टर आपको इसके साथ मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फाउंटेन पेन की, तो यहाँ देखिए, और इसका रेजिन देखिए आप, प्लास्टिक जिसका बना हुआ है कितना खूबसूरत सा है। डिजाइन देखिए कुछ अलग ही तरह का डिजाइन आपको इसमें मिल जाता है। पीछे की तरफ एक ये देखिए पीछे की तरफ साइन है, ये आप देख सकते हैं। कैप के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी रेजिन की बनी हुई है और ट्रांसल्यूसेंट प्लास्टिक आप देख सकते हैं इसमें ऑरेंज कलर की, और ये क्लिप ये देखिए। अंदर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। और ये जो पूरा एक रिंग लगी हुई है, ये चौड़ा सा बैंड देख रहे हैं, इसी के अंदर क्लिप लगी हुई है। इसको निकाल के देखते हैं, कोशिश करते हैं, खींच खांच के देखते हैं, नहीं निकल रहा है। ये शायद प्रेस फिट है, आप भी देख सकते हैं इसमें क्लिप बहुत ही बेहतरीन सी क्लिप लग रही है, आवाज़ भी करती है टक टक। और ये पीछे की तरफ इसका डिज़ाइन, अब बात कर लेते हैं फाउंटेन पेन की। ये है फाउंटेन पेन, काफ़ी हल्का फाउंटेन पेन है। डायमेंशन आपको ऊपर मैं दिखा दूंगा इसकी, क्या डायमेंशंस वगैरह हैं, वेट कितना है, लेकिन काफ़ी हल्का ये मुझे लग रहा है। ये बैरल देखिए, ये बैरल के अंदर यहाँ पर इंक विंडो आपको मिल जाती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना इंक आपकी कार्ट्रिज में या कन्वर्टर में बचा हुआ है। और अंदर की तरफ देखिए, एक इसके अंदर कार्ट्रिज भी है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज की कार्ट्रिज है, छोटी कार्ट्रिज जो आपको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इनको आराम से यूज कर सकते हैं। और इसका बैरल देखिए, आगे से थोड़ा मोटा है और पीछे की तरफ से ये पतला हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट किया गया है ताकि ये इस तरीके से आराम से रखा जा सके और ये इधर उधर ना भागे, पेन रोल ना हो, इसलिए दिया गया है। पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को किस तरीके से बना गया है उसका ही आपको अरेंजमेंट इसमें दिखाई पड़ जाएगा। तो ये है बैरल। अब बात कर लेते हैं सेक्शन की, और देखिए इसमें एक ये डमी कार्ट्रिज भी इन लोगों ने लगा के दी है ताकि जो मेन कार्ट्रिज है वो पंक्चर ना करे, तो इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए ये डमी कार्ट्रिज थी, ये हम निकाल दिए हैं, और ये है सेक्शन, आप देखिए इसका सेक्शन बहुत ही बेहतरीन ट्रांसल्यूसेंट, और आप इसका एक एक पार्ट अंदर देख सकते हैं। ये इसका फीड सिस्टम, और इसका निब देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा निब लग रहा है। डिज़ाइन भी अच्छा है, हालांकि बिल्कुल सिंपल है लेकिन फिर भी अच्छा है। डिप्लोमेट लिखा हुआ है मैग्नम, और एम मतलब एम साइज का इसका निब है। आगे की तरफ एक रिंग है, एक्चुअली ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है ये रिंग, जो रिंग है ये सामने की तरफ, ये एक तो सेफ्टी भी देती है सेक्शन को आगे की तरफ से, कि आगे से ये टूटना शुरू ना हो, और दूसरा ये सिक्योरली निब और फीड सिस्टम को भी सिक्योर रखती है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो फीड है उसको भी आप देखिए, इस तरीके का फीड आपको इसमें मिल जाता है। और पीछे की तरफ से ये यहाँ पे थ्रेडिंग मिल जाती हैं आपको, बाकी काफ़ी इसमें
ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा है और आगे से थोड़ा सा पतला, इसमें सेक्शन ये मिल जाता है। अब इसका राइटिंग सैंपल हम ले लेते हैं, तो इसमें हम कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं, कार्ट्रिज लगा करके ही इसको चेक करके देख लेते हैं। तो कार्ट्रिज लीजिए, और कैसे पंक्चर करनी है आपको वो आपको पता ही है, जिधर से इसमें बॉल दिखाई पड़े उधर से आपको इसको लगाना है और इसको पुश कर देना है इस तरीके से। ये देखिए एकदम से जैसे ही पंक्चर होगी वैसे ही इंक आपकी फीड सिस्टम तक पहुंच जाएगी, और किस तरह से ट्रेवल कर रही है ये भी देखिए, मैंने इसको डाउन किया है, देखिए ये देखिए ये देखिए इंक आ गई है, और इंक इस तरीके से आपके निब तक ट्रेवल कर रही है, और थोड़ी देर में ये जो है आपके निब के टिप तक भी पहुँच जाएगी। बैरल फिट फटाक से ये फिट हो गया है। पीछे कैप पोस्ट करके देखते हैं हम, पीछे कैप पोस्ट कर ली है। इसमें एक था सीमेंट ग्रे कलर था, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा था वो देखने में, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि ट्रांसल्यूसेंट कलर मेनली मिलते हैं वो कैसे लगते हैं। ये इस तरह से ट्रांसल्यूटर प्लास्टिक कलर आपको इस तरीके से इसमें दिखेंगे। अब इसका एक राइटिंग सैंपल ले लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की लिखाई है, ये मीडियम साइज में इसका निब मिल जाता है। और पीछे की तरफ हम देख लेते हैं कि ब्लीडिंग होती है कि नहीं है, तो इसमें ब्लीडिंग के ऑलमोस्ट कोई साइन नहीं है, कहीं कहीं पे एक आधा बिंदु आपको देखने में मिल जाता है। लेकिन ये फाउंटेन पेन आपके बिल्कुल जो 770 GCM के पेपर आते हैं नॉर्मल नोटबुक उसके ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है, कोई ब्लीडिंग के साइन आपको मिलते नहीं है। देखने में ट्रांसल्यूशन प्लास्टिक में बहुत बेहतरीन होता है, और इसका एक सीमेंट कलर आता है ग्रे कलर का, वो तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। मैं पहले वही लेने वाला था लेकिन मैंने बाद में उसको ड्रॉप कर दिया, मैंने सोचा कि ट्रांसल्यूशेंट प्लास्टिक में लेते हैं। तो अल्ट्रा स्मूथ आप इसको बोल सकते हैं फाउंटेन पेन को। एक इसमें जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है, केवल और केवल यही प्रॉब्लम नजर आई है, वो ये है कि इसका ग्रिप इसका पतला है, तो छोटे हाथों के लिए फाउंटेन पेन बेहतर फाउंटेन पेन है, लेकिन जो बड़े हाथ हैं तो वो लॉन्ग टाइम राइटिंग सेशन के अंदर थोड़ा सा अपने हाथ में पेन फील कर सकते हैं जब वो एक लंबा सेशन लिखने जाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई खास प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आई है। लुक भी इसका अच्छा है, मॉडर्न लुक है, तो आप इस फाउंटेन पेन को बाय कर सकते हैं 1800 रुपये की रेंज में, बहुत ही बेहतरीन फाउंटेन पेन ही हो, बाकी जो फाउंटेन पेन है उससे एकदम कम्पीट करता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।